जब तक आपके अंदर अध्यात्म का ताकत और आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहेगी, तब तक आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं, उन चुनौतियों से सामने नहीं कर सकते हैं। और यह सिखाएगा कौन? ये चीज आएगी कहां से आपके अंदर? तो यही चीज देता है गायत्री महामंत्र। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित सभी भाइयों को मेरा प्रणाम एवं भाव भरा स्वागत अभिनंदन। क्योंकि हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, पुरुषार्थ करे या ना करे, इच्छा तो होती है हर किसी की कि हम अपने जीवन में सफल हों। एक सफल विद्यार्थी बने, एक सफल व्यवसायी बने, जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए, कल्पना तो करता है, सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उस समय हमारे पास कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है। साधन और संसाधन जो होता है वो तो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी लेवल पर जीवन में सफल होने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति, संघर्षों से जूझने की ताकत, चुनौतियों की स्वीकार करने का जज्बा, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको जरूरत पड़ती है। केवल कल्पना कर लेने से नहीं, जब करने जाते हैं तो मेरे मित्रों ये सारी चीजें हमें मिलती है कहां से, कहां से प्राप्त होती है, कैसे आती है, इसका विज्ञान के पास कोई फार्मूला या तरीका नहीं है। चाहे वो मेडिकल साइंस हो, मैकेनिकल साइंस हो, केमिकल साइंस हो, कोई साइंस हो, कोई ऐसा केमिकल नहीं है या कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो आत्मविश्वास को आपका प्रबल कर दे, बढ़ा दे। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डाल दे। कोई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है जो डाल देगा आपके अंदर। चुनौतियों से सामना करने की ताकत नहीं आ रही है, संघर्ष करेंगे तो चुनौती मिलेगी, बड़ा काम करेंगे बड़ा चुनौती मिलेगी, ना करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग देखते होंगे आसपास गली मोहल्ले गांव में निठल्ला यूं का ऐसे जैसे तैसे रोड पे मटक रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम फ्री। तो जब फ्री है तो फिर फ्री है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि जीवन में करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो जितना बड़ा लक्ष्य लीजिएगा उतना स्ट्रगल होगा और उतनी बड़ी चुनौती आपको मिलेगी। और जितना जल्दी इस बात को स्वीकार कर लेंगे, इस कड़वा सत्य को, उतना ही आपका जीवन स्मूथ हो जाएगा, उतना ही स्मूथ हो जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं हम आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, बहुत सारा साधन हो जाएगा तो हमारा जीवन स्मूथ हो जाएगा, तो ये आपका कोरा कल्पना होगा। ठीक है, जीवन जीने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है, भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो चीजें हमारे जीवन को स्मूथ कर दे ये संभव नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, जितने भी सफल चले जाइए ऊपर स्तर पर, आईएएस से भी ऊपर प्रमोशन लेकर के प्रधान सचिव और सेक्रेटरी और वो एसडी रैंक के बड़े बड़े कैबिनेट में बैठे हुए रहते हैं, कभी जाकर के मिलिए या उनसे पूछिए कि आपका जीवन तो बहुत स्मूथ चल रहा होगा। देखिए, ऐसा सुना देंगे कि आप खुद लाया कि ना अभी हम छिकल। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें मिलती है कैसे, ये आता है कहां से हमारे अंदर। तो ये सारी चीजें आती है जो अभी हमारे भाई सच्चिदानंद जी आपको बता रहे थे, जो हमारे युवा प्रकोष्ठ में वर्षों से सिखाया जाता है और युवा प्रकोष्ठ इसी पहलू को लेकर के विगत 30 वर्षों से कार्य कर रही है। युवाओं में, लॉज में, हॉस्टल में, नुक्कड़ पर, छोटे छोटे बच्चों के बीच में बाल संस्कार शाला के माध्यम से,
तीन चीजों को डालने का प्रयास कर रहा है समाज में, बता रहा है कि देखो ये कहां मिलेगा, आपका कोचिंग वाला सब्जेक्ट का ज्ञान दे देगा, लेकिन आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है उसका, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं। अब मास्टर साहब बोर्ड पर समझा रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं जो बताते हैं लोग, दिमाग वहां पहुंच ही नहीं रहा है, कॉन्सेंट्रेशन वहां पहुंच ही नहीं रहा है, ध्यान केंद्रित ही नहीं हो रहा है। तो कितना भी वो बड़े स्टार्ट शिक्षक हो, वो आपके अंदर जाएगा ही नहीं। अभी आएगा कहां से वो कंसंट्रेशन पावर, कैसे आएगा, ध्यान कैसे केंद्रित करेंगे, करेंगे तब ना सीखेंगे, और सीखेंगे तब जाकर के परीक्षा में बनाएंगे तो सफलता मिलेगी। यहां पर वही चीज सिखाया जाता है, छोटा 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 आपको एकदम मजबूत फार्मूला बता करके, डेली के रूटीन में सुधार करके, ये जो हमारा शिविर चलता है ना अभी फिर शायद शुरू होने वाला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, इतना छोटा छोटा स्मूथ हमारे भाई लोग जो डेली रूटीन में अपनाने वाला चीज होता है वो बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आप इसको अपनाइए और अपना करके अपने जीवनचर्या को सुधारिए, डेली रूटीन को सुधारिए, सुधारिएगा आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर मिलेगा, चीज समझ में आएगी जो समझाया जाएगा, आपका आत्मविश्वास प्रबल होगा। सफल होना चाहते हैं तो सफल होने के लिए आत्मविश्वास तो चाहिए, कॉन्फिडेंस तो चाहिए, और नहीं तो इस दुनिया में इतना कंपटीशन है, इतना प्रतियोगिता है कि भीड़ देख करके ही आप हताश निराश हो जाएंगे। कोई ऐसा फॉर्म निकलता है जिसमें लाखों से कम की संख्या हो, बल्कि वो विधानसभा में मालिका वैकेंसी क्यों ना निकले। अभी कुछ दिन पहले हमारे तरफ से एक आदमी आए कि ऐसे ऐसे है, ये है, हम पूछे कि क्या करता है आपका बेटा, तो बोला बीटेक किया है। कहां से? तो ग्वालियर के किसी इंस्टीट्यूट से। हम भी कौन सा ब्रांच से किया हो बाबू? तो मैकेनिकल से। हम कितनी विधानसभा में माली वाला वैकेंसी क्यों भरा तुम? तो कहा कुछ नहीं हो रहा है भैया, तो क्या करें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कंपटीशन की कमी नहीं है, प्रतियोगी की कमी नहीं है, हर जगह कंपटीशन मिलेगा, देख करके ही आप भाग जाइएगा भी, अगर आत्मविश्वास प्रबल नहीं रहेगा, चुनौतियों से सामना करने का जज्बा आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप भाग जाइएगा, देख करके भाग जाइएगा। आप व्यवसाय करने जाओ, कोई भी छोटा सा, अभी देखिए हमारा बिट्टू बेचारा बैठा है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, कभी अकेले में बैठा के पूछिए कि भैया मॉडल में तो युवा प्रकोष्ठ आपको रिप्रेजेंट करता है कि ग्रीन ब्लड हमारा मॉडल है, लेकिन कभी जाइए व्यवहारिक रूप से, तब देखिए कि कितना कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, कितना जूझना पड़ता है, यूं ही कह देने से नहीं होता है, रगड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और वो सब करेंगे कब? जब आपके अंदर आध्यात्म की ताकत होगी, जब आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होगी। जब तक आपके अंदर अध्यात्म का ताकत और आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहेगी, तब तक आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं, उन चुनौतियों से सामना नहीं कर सकते हैं। और ये सिखाएगा कौन? ये चीज ये आएगी कहां से आपके अंदर? तो यही चीज देता है गायत्री महामंत्र, जिसको वेद मंत्र कहते हैं, मंत्र का सर्वश्रेष्ठ, जिसको चूंकि वेद में दुनिया का पूरे ब्रह्मांड का अपार ज्ञान भरा पड़ा है, अपार शक्ति भरी पड़ी है, और गायत्री महामंत्र को वेद मंत्र कहा जाता है। और ये वेद मंत्र हमें वही पुरुषार्थ प्रदान करता है, वही आत्मविश्वास प्रदान करता है, चुनौतियों से लड़ने का जज्बा देता है, आत्मविश्वास देता है, आपके अंदर आपका मेंटल मैच्योरिटी इतना बढ़ा देता है, परिपक्व कर देता है कि बड़ा से बड़ा संघर्ष भी आपको छोटा लगता है। और चुनौती और संघर्ष का कोई पैमाना नहीं होता है, कोई पैरामीटर्स नहीं है कि कौन सा संघर्ष और चुनौती बड़ा है और कौन सा छोटा है। बड़ा होना या छोटा होना ये निर्भर करता है हमारे मानसिक परिपक्वता पर, मेंटल मैच्योरिटी पर, कि आप मानसिक रूप से कितना परिपक्व हो,
मेंटल रूप से आप कितना मैच्योर्ड हो। जैसे बचपन में आप छोटे होंगे, 6-7 साल 8 साल का स्कूल टाइम में आपका एक छोटा सा खिलौना भी टूट जाता होगा या गुम हो जाता होगा तो बहुत बड़ा आफत आ जाता होगा आपके लिए, बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती होगी, वो पता नहीं कहाँ एकदम टेंशन में आ जाते होंगे, रोते रहते होंगे, बिलखते रहते होंगे। लेकिन वही यदि अभी हो जाए, अभी 1-2,50,000 का भी नुकसान हो जाता है और कोई चीज खो गया तो आदमी हताश निराश नहीं होता। क्यों नहीं होता? जबकि उससे बहुत तुच्छ चीज उस समय खो जाता था तो हम बहुत ज्यादा हताश निराश हो जाते थे। लेकिन वही चीजें अभी होती है तो हम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वजह क्या होता है? तो उस समय हमारा मानसिक लेवल कुछ और था, मेंटल मैच्योरिटी कुछ और था, अभी हमारा मानसिक लेवल कुछ और है, मेंटल मैच्योरिटी अभी कुछ और है, अभी हम हताश निराश नहीं होते, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाते हैं उसके वजह से। और ये मेंटल मैच्योरिटी बढ़ाता कौन है? ये बढ़ाता है आपको गायत्री महामंत्र, ध्यान जो यहां सिखाया जाता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, संयमित जीवन जीने की कला, हमारे भाइयों के द्वारा जो आपको योग सिखाया जाता है, वो ये सब फार्मूला है, सूत्र है, जिसको आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये सारी चीजें आपके अंदर आती है। बड़ा से बड़ा चुनौती, बड़ा से बड़ा स्ट्रगल, बड़ा से बड़ा संघर्ष बोना पड़ जाता है आपके मानसिक परिपक्वता के सामने, आपके मेंटल मैच्योरिटी के सामने वो छोटा पड़ जाता है, बोना पड़ जाता है। हंसते रहते हैं, हंसते हंसते उससे निकल जाते हैं। आप यदि ये सोच करके चले होंगे कि हमारा जीवन बिल्कुल स्मूथ लाइफ, एकदम संघर्ष रहित लाइफ होगा, तो ये कतई संभव नहीं। यदि जीवन है तो संघर्ष है, लाइफ के साथ स्ट्रगल होता है और दोनों का बहुत गहरा रिश्ता होता है। जीवन जीने के लिए मिला है, अक्सर मनीष भैया यहां से कहते हैं कि जीवन जीने के लिए मिला है, तो जीवन जीने के लिए मिला है तो जीने के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। अभी आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में करना पड़ेगा, कल होकर के आपकी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, वहां भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जाकर के पूछ करके देखिए, 2-4 साल पहले जिसका शादी हुआ है, अभी तो लगता है ना, पूछ करके जरा देखिएगा क्या हाल है भैया। हो सके आपके सामने मुस्कुराते रहे, लेकिन साइड में थोड़ा ले जाकर के भैया को थोड़ा इमोशनल पूछ करके देखिएगा। तो कहने का मतलब कि कहीं भी संघर्ष रहित नहीं है, हर जगह चुनौती है। और ये कला कौन सिखाता है उससे निकलने का, उसको टेकल करने का कला कौन सिखाता है? ये सिखाता है अध्यात्म, जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है युवा प्रकोष्ठ के भाइयों के द्वारा, आदरणीय मनीष भैया के संरक्षण में जो आपको बताया जाता है, हमारे परम पूज गुरुदेव का सूत्र है और हमें इसे अपनाना पड़ता है। हम अपनाते हैं तब जाकर के वो चीजें हमारे अंदर आती है, और वो चीजें जब हमारे अंदर आती है तो फिर हम सफल होते हैं। एक सफल विद्यार्थी बनते हैं, अच्छी नौकरी भी मिलती है, अच्छा व्यवसाय करते हैं तो अच्छा व्यवसायी भी बनते हैं। और नियमित, ऐसा नहीं कि आए और आज करना शुरू किए, 10 दिन तक किए, या पीटीसी का कोर्स किए, 5 दिन का कोर्स किए और 6th दिन से 7th दिन से फिर वही स्थिति, वही दिनचर्या, वही रूटीन, तो फिर वो संभावना नहीं है। जैसे जीने के लिए आदमी को हवा, पानी, भोजन, घर की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही एक सफल जीवन जीने के लिए, एक स्मूथ लाइफ जीवन जीने के लिए, एक बढ़िया से जीवन जीने के लिए आपको अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है, गायत्री महामंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, नियमित योगाभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, नियमित स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अच्छे विचार नहीं रहेंगे, हमारे अंदर से अच्छे संस्कार नहीं उभरेंगे, और जब तक अच्छे संस्कार नहीं उभरेंगे, हमारा मन अच्छा नहीं होगा, हमारी बुद्धि अच्छी नहीं होगी, और जब हमारी बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, हमारे द्वारा किया गया क्रियाकलाप अच्छा नहीं होगा। और मेरे मित्रों, जब आप काम अच्छा नहीं करोगे तब फिर आपको कौन पूछेगा, कौन आपके व्यक्तित्व को जानेगा,
कौन आपके पर्सनालिटी को जानेगा? कितना भी सिक्स पैक बना लीजिए, लंबा तगड़ा, कितना भी अच्छा ब्रांड का कपड़ा पहन लीजिए, जूता पहन लीजिए, कोई नहीं पूछने वाला है जब तक आपकी बुद्धि अच्छी नहीं रहेगी और आपका क्रियाकलाप अच्छा नहीं रहेगा। वो चीजें आती कहां से है? गायत्री मंत्र को बुद्धि का मंत्र कहा गया है। गायत्री मंत्र करने से और अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करने से हमारी बुद्धि अच्छी होती है। बुद्धि अच्छी होती है तो हमारे अंदर अच्छा विचार आता है। अच्छा विचार आता है तो हमारे द्वारा क्रिया किया गया क्रियाकलाप अच्छा होता है। और जब काम अच्छा करते हैं, क्रियाकलाप अच्छा होता है, तो फिर हम सफलता प्राप्त करते जाते हैं, सफल होते जाते हैं। पिछले दिनों शाम में मैं था यहाँ पे, बहुत सारे सफल हमारे भाई लोग आए हुए थे। एक भाई बता रहे थे कि भैया हमको 16 नौकरी मिली, इसी किसी संस्कार शाला के संगठन के थे, बता रहे थे कि हमें 16 नौकरी मिली, 16 जॉब मिला। अब बताइए, एक के लिए रगड़ते फिरते हैं, ई कोचिंग से वो कोचिंग, वो कोचिंग से वो कोचिंग, उस सर से वो सर, उस सर से वो सर, उस लाइब्रेरी से उस लाइब्रेरी घूमते फिरते हैं। वो बताइए, वो देखने में जो हमारा युवा प्रकोष्ठ का लड़का बेचारा भोला भाला सा, 16 नौकरी मिला उसको, कैसे मिला? बता रहा था अपना अनुभव कि 9 तक कुछ नहीं मिला हमको, 9 तक घूमते रह गए। कभी मन होता था कि भैया लोग कहते हैं कुछ सही कहते हैं कि गलत कहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता था, मन में कंफ्यूजन होता था, या जो यहां पर बताया जाता है, सिखाया जाता है, वो सही में फायदा करता है कि गड़बड़ करता है। अब स्वाभाविक है कि आप बीमारी से ग्रसित हो, अब आपको दवाई चलाया जा रहा हो, अब लंबा दिन तक उसका असर ना दिखे तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होता है। लेकिन बेचारा श्रद्धावान रहा, श्रद्धा और समर्पण भाव से लगा रहा, आ गई उसके अंदर वो ताकत, ताकत आ गई तो ये तुच्छ नौकरी कौन पूछता है, एक नहीं 16 नौकरी उसको मिला। ऐसे ऐसे कई भाई हैं, इनको एग्जांपल सही शिवा प्रकोष्ठ में, और कोई वो मैजिक नहीं होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई जादू टोना नहीं होता है, वो क्या होता है? तो मेरे मित्रों, नियमित गायत्री मंत्र करने से, ध्यान करने से, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करने से, सत्संग करने से आपके अंदर अच्छा सोच आता है, अच्छा विचार आता है, अच्छी बुद्धि आती है। अभी तो इधर उधर देख करके भटक जाते हैं, दिमाग उधर ही सोचते रहता है, सो करके उठे वही बात दिमाग में चल रहा है, कोचिंग गए उधर ही ध्यान चला जा रहा है, रात में सोने जा रहे हैं वही मोबाइल पर देख रहे हैं। अब जब ये सब चीज करते रहते हैं तो हमारे अंदर बुद्धि कहां से अच्छी आएगी, अच्छा क्रियाकलाप कहां से आपके अंदर आएगा? और जब वो चीजें नहीं आएगी तो फिर आप अच्छा काम कैसे कीजिएगा? और अच्छे काम नहीं कीजिएगा तो फिर सफल कैसे होइएगा? युवा प्रकोष्ठ वही करता है, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के बुलाया जाता है भाइयों को, बुला करके उनके अंदर ये सारी चीज, प्राइमरी जो फार्मूला है बेसिक लेवल पर, जो बाद में अलग से वो सेशन होता है, क्लास होता है मनीष भैया का, कभी कभी हमारे भाई अभिषेक जी बैठे हैं वो भी लेते हैं, वो डाल दिया जाता है आपके अंदर, वो फार्मूला, वो पौधा लगा दिया जाता है। अब उस पर आप काम करते हैं, अब कुछ कुछ वो निर्भर करता है हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध पे, जिस प्रारब्ध के वजह से कभी कभी थोड़ा देर लगता है, चूंकि आपके एटीएम में जब निगेटिव में माइनस में बैलेंस हो तो जब तक वो प्लस में आकर के वो आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक कितना भी कार्ड डालते रहिए और करेक्ट पिन डालते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कुछ कुछ पूर्व जन्म का होता है प्रारब्ध भी हमारे पास, जो कि हमें काटना पड़ता है, माइनस से प्लस में लाना पड़ता है। और वो माइनस से प्लस में आता कैसे है? तो वही जो यहां फार्मूला बताया जाता है भैया के द्वारा, गायत्री महामंत्र, आध्यात्मिक शक्ति, संयमित जीवन आपको माइनस से प्लस में लाता है। थोड़ा टाइम लगता है, किसी किसी भाई को तुरंत मिल जाती है यदि उसका प्लस में रहता है, और गायत्री महामंत्र और परम पूज्य गुरुदेव का कार्य करता है, उसकी शक्ति जब एक समर्थ सत्ता से जुड़ जाती है तो उसको यूं ही सफलता, तुरंत सफलता मिल जाती है। तो हड़बड़ाने का नहीं है, घबराने का नहीं है,
पेशेंस रख के धैर्यवान बन करके हमारे युवा प्रकोष्ठ में जो भी चीजें बताई जाती है आदरणीय भैया के द्वारा विश्वास मान करके जो भी रचनात्मक कार्यक्रम कराए जाते हैं उसमें से लगातार जुड़े रह करके आप यदि काम करना शुरू करते हैं तो विश्वास मानिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भी सफलता आएगी, आप अच्छा मुकाम हासिल कीजिएगा।